जुपी ऐप से पेटीएम वॉलेट में पैसे कैसे विड्रॉ करें। मुझे पता है आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे, इसीलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं कि जुपी ऐप से पेटीएम वॉलेट में पैसे विड्रॉ कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने मोबाइल फोन में जुपी ऐप को ओपन कर लेंगे एंड आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपके जो रुपए दिखाए जा रहे हैं उस पर क्लिक कर देंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर वॉलेट वाला आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर ऐड कैश एंड विड्रॉ का दो बटन मिल जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर विड्रॉ वाले बटन पर क्लिक करना होगा। विड्रॉ बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर बैंक एंड यूपीआई आईडी का ऑप्शन मिलता है, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है यहाँ पर पेटीएम में विड्रॉ करने का, बट मेरी ट्रिक को यूज करने के बाद आप लोग कर पाएंगी। तो करना क्या है, सबसे पहले तो यूपीआई आईडी के सामने आपको जो लिंक वाला बटन मिल जाता है उस पर क्लिक कर देंगे। लिंक वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक अलग तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको यूपीआई आईडी एंटर करने का ऑप्शन मिलता है, बट आपको वहां पर कोई भी यूपीआई आईडी डायरेक्टली एंटर नहीं करनी है। जैसा मैं बताता जा रहा हूँ आपको वैसा ही एंटर करना है। आप लोग देख सकते हो कि आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आया होगा, फिर आप लोगों को डायरेक्टली कोई भी यूपीआई आईडी एंटर करनी नहीं होती है। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, लेकिन ध्यान रहे आपको मोबाइल नंबर वही एंटर करना है जिससे आपका पेटीएम वॉलेट पहले से ही बना हुआ हो। तो चलिए मैं यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद आपको अगले स्टेप में लगाना है डॉट। डॉट लगाने के बाद आपको वॉलेट लिखना है एंड उसके बाद आपको @paytm लिख देना है। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीन पर, मोबाइल नंबर डॉट वॉलेट @paytm इस तरह से आपको लिखना है एंड नीचे आपको प्रोसीड वाला बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अब प्रोसीड पर क्लिक करते ही मुझे इस तरह का एरर दिखा दिया गया क्योंकि मैं पहले से ही दूसरे अकाउंट में इस वाली यूपीआई आईडी को एंटर कर चुका हूं। तो ऐसा मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से कर लिया, बट आपने पहले से नहीं किया होगा तो आप लोग यहां पर एंटर कर पाएंगे। लेकिन प्रूफ के लिए मैं आपको इन्हीं के दूसरे एप्लीकेशन से मैं आपको विड्रॉ करके दिखाऊंगा ताकि आपको विश्वास हो सके कि हाँ ये ट्रिक काम करती है। तो चलिए मैं यहाँ से चलता हूँ लूडो सुप्रीम ऐप में जिससे मैं आपको विड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल भाई सेम टू सेम सिस्टम इसमें, तो मैंने यूपीआई आईडी एंटर कर दी है एंड विड्रॉ कर दिया है एंड यहाँ पर प्रोसेसिंग लिख कर आ रहा है और यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर प्रोसीड हो चुका है और रुपए विड्रॉ हो चुके हैं। चलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने पेटीएम वॉलेट में और चेक करके दिखा देता हूँ कि रुपए रिसीव हुए कि नहीं। तो मैं यहाँ पर पेटीएम ऐप को ओपन कर लूंगा। पेटीएम ऐप ओपन करने के बाद मैं इसे अनलॉक कर लूंगा एंड बैलेंस हिस्ट्री में आप देख सकते हो यहाँ पर हो चुके हैं 7 रुपए और पेमेंट हिस्ट्री में मैं जब नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप लोग देख सकते हो कि कैश फ्री पेमेंट की तरफ से मुझे यहाँ पर 5 रुपए रिसीव हो चुके हैं जो कि आपको भी इसी तरह से रिसीव होंगे। तो मतलब कि ये ट्रिक 100% वर्किंग है, आप लोग भी इसका यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोग जिसे ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। बाय बाय, टाटा सी यू।